इस वक्त की बड़ी खबर, नीरज कुमार दाऊद इब्राहिम के सरेंडर के ऑफर के दावे से पलट गए हैं। नीरज कुमार ने कहा कि अखबार ने उनकी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया, अगर दाऊद सरेंडर का ऑफर देता तो उसे जरूर मंजूर कर लिया जाता। एक अखबार ने दावा किया था कि नीरज कुमार ने कहा है कि दाऊद सरेंडर करना चाहता था। हमारे संवाददाता विमल कौशिक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। विमल, बहुत साफ बातचीत उस अखबार में छपी थी, लेकिन अब नीरज कुमार इनकार कर रहे हैं इस पूरी बातचीत से। जी बिल्कुल, देखिए नीरज कुमार ने हालांकि कोई आधिकारिक तौर पर इसमें सामने आकर बात नहीं कही, लेकिन जो मैसेज के थ्रू उन्होंने बात कही, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मेरी उस पत्रकार से सिर्फ एक इनफॉर्मल चैट था, क्योंकि मैं उसे काफी लंबे समय से जानता हूं, इसलिए एक नॉर्मल बात थी और उसमें कहीं पर भी दाऊद इब्राहिम के सरेंडर की बात नहीं आई थी। हालांकि ये बात जरूर आई थी कि ब्लास्ट के बाद दाऊद इब्राहिम से बात जरूर हुई थी, लेकिन सरेंडर करने वाली बात कहीं नहीं आई थी और उस बात को पूरी तरह से तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, ये काफी अनफॉर्चुनेट है। हालांकि काफी देर से नीरज कुमार से बात करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन उन्होंने अब सामने आकर इसमें भी कैमरे पर कुछ नहीं कहा, लेकिन एक मैसेज के थ्रू ये जानकारी नीरज कुमार ने दी है। जी, तो सवाल यही उठ रहा है कि नीरज कुमार ये सफाई सामने आकर क्यों नहीं दे रहे हैं, और इससे पहले तत्कालीन जो डायरेक्टर थे सीबीआई के विजय रामाराव, उन्होंने भी इनकार किया था कि ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, और अब नीरज कुमार का खंडन करना इस खबर का। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जब ये खबर आई उसी के बाद लगातार नीरज कुमार से संपर्क करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन नीरज कुमार सामने आने को तैयार नहीं थे और अब से कुछ देर पहले ही उन्होंने एक मैसेज के जरिए अपनी ये बात रखी और साफ तौर पर कहा कि ये काफी अनफॉर्चुनेट है, उनकी एक इनफॉर्मल चैट थी जिसमें एक रिपोर्टर से जिससे वो काफी समय से जानते हैं जनरल बात हो रही थी, लेकिन उसी दौरान अगर रिपोर्टर ने इस तरह की बातें कही हैं तो ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। लेकिन कहीं पर भी नीरज कुमार ने ये बात कही कि कहीं पर भी उन्होंने दाऊद इब्राहिम के सरेंडर की बात नहीं की, और अगर दाऊद इब्राहिम के सरेंडर की बात होती तो शायद कोई भी उस सरेंडर को नहीं रोकना चाहता। बिल्कुल, लेकिन सवाल ये है कि बड़े विस्तार पूर्वक ये पूरी बातचीत हुई है, तीन बार बात हुई उनकी दाऊद इब्राहिम से, नीरज कुमार ने अपने इंटरव्यू में कहा था, हालांकि अब वो इस बात से इनकार कर रहे हैं। नीरज कुमार के हवाले से खबर आने के बाद सीबीआई के तत्कालीन डायरेक्टर विजय रामाराव ने कहा कि उन्हें तो जानकारी ही नहीं कि ऐसा कुछ हुआ था। नो सच ऑफर ऑफ सरेंडर फ्रॉम दैट साइट whether दाऊद इब्राहिम और एनीबॉडी ऑन हिज बिहाफ, नो सच ऑफर केम, and if it had come, it is not within my knowledge, number one. Number two, and we were at that time moving earth and heaven to get Dawood Ibrahim arrested and put him up for trial in Mumbai Special Court, and I can't imagine the efforts we have made to get at him. It's a very long story, and most of it are on record. It's not as though they have not been recorded. And at no stage the offer of his surrender was brought to my notice. Sir, are you aware? If there was any such offer, it was not within my knowledge. सीबीआई के तत्कालीन डायरेक्टर विजय रामाराव ने यह भी कहा कि अगर दाऊद की तरफ से ऑफर आया होता तो सरकार उसे स्वीकार करने में जरा भी देर नहीं करती, क्योंकि दाऊद को पकड़ने के लिए कई देशों से टीमें भेजी गई थी। यू सी, मेनी मेनी थिंग, मेनी एफर्ट्स वर मेड टू अरेस्ट दाऊद इब्राहिम, मेनी मेनी, आई कैन यू कैन राइट अ बुक ऑन the letter rogatories that we have sent, the teams we have sent to various countries, and the Interpol notices that are issued, I think they are still there, and also the efforts we made with Pakistan government at that time, so many efforts were made, our entire time was spent in getting at Dawood Ibrahim, and this news, if it had come at that time that he is prepared to surrender, I don't think government of India and the CBI would have left it like this, and I certainly would not have allowed it to go away like that. We would have got at him and produced him in the court. तो नीरज कुमार ने अब कहा है कि उन्होंने कोई इंटरव्यू नहीं दिया, ये एक इनफॉर्मल बातचीत थी, और उन्होंने ये बात कभी भी नहीं कही कि दाऊद इब्राहिम ने सरेंडर की बात की थी। लेकिन आपको बताते हैं कि अखबार के मुताबिक नीरज कुमार ने अपने इंटरव्यू में क्या खुलासा किया था और ये पूरा मामला क्या है। 1993 ब्लास्ट के बाद अनवल डाउन दाऊद इब्राहिम सरेंडर करना चाहता था। 1994 के जून में दाऊद की नीरज कुमार से फोन पर सरेंडर को लेकर तीन बार बात हुई। नीरज कुमार उस वक्त सीबीआई में डीआईजी के पद पर थे। भारत लौटने पर दाऊद को अपनी हत्या का डर था। दाऊद को डर था कि भारत लौटने पर उसके विरोधी गैंग उसकी हत्या कर सकते हैं।
सीबीआई ने दाऊद को भारत लौटने पर उसकी पूरी हिफाजत का भी भरोसा दिया था। दाऊद इब्राहिम ने नीरज कुमार से बात करके दावा किया कि उसका मुंबई ब्लास्ट में हाथ नहीं है। दाऊद इब्राहिम के सहयोगी मनीष लाला ने नीरज कुमार को दाऊद से बात कराने का प्रस्ताव दिया था। नीरज कुमार ने सीनियर्स की सहमति के बाद दाऊद से सरेंडर के मुद्दे पर बातचीत शुरू कर दी थी। सरेंडर की शर्तें तय होने से पहले ही नीरज कुमार को दाऊद से बात ना करने को कह दिया गया। इसके बाद भी दाऊद ने नीरज कुमार से कई बार फोन पर बात करने की कोशिश की, लेकिन नीरज कुमार ने इसके बाद दाऊद से बात नहीं की क्योंकि उनके सीनियर्स ने मना कर दिया था। दाऊद इब्राहिम और नीरज कुमार के बीच बातचीत की शुरुआत मुंबई की आर्थर रोड जेल में हुई। नीरज कुमार ने कहा, मेरे और दाऊद के बीच संपर्क मनीष लाला ने करवाया था। लाला दाऊद का कानूनी रणनीतिकार था। लाला के पास कोई कानूनी डिग्री नहीं थी, मगर उसे कानून की गजब की समझ थी। दरअसल दाऊद गैंग के कुछ गुर्गों से पूछताछ में पहली बार मनीष लाला के नाम का खुलासा हुआ था। इसके बाद मैंने लाला के ठिकानों पर छापेमारी शुरू की। बाद में जे अस्पताल शूटआउट के एक अन्य मामले में उसने आत्मसमर्पण कर दिया। मेरी लाला से मुलाकात मुंबई की ऑर्थर रोड जेल में हुई थी। पहली ही मुलाकात में लाला मेरे शालीन व्यवहार का कायल हो गया था। जब वो मुझसे मिला तो मैंने उसे कुर्सी पर बैठने को कहा। तब लाला ने मुझसे कहा कि पहली बार किसी पुलिस अधिकारी ने उसे कुर्सी पर बैठने को कहा है। तब लाला ने दाऊद के आत्मसमर्पण करने की इच्छा का खुलासा किया था और कहा था कि वो मुंबई के सीरियल धमाकों में अपनी बेगुनाही साबित करना चाहता है। कई सालों तक मुंबई के इसी आर्थर रोड जेल में बंद रहा था मनीष लाला। मनीष लाला दाऊद इब्राहिम के गुरु करीम लाला का दूर का रिश्तेदार था। 70 के दशक में वो दाऊद इब्राहिम के काफी करीब आया और इसके बाद डी कंपनी के जितने लीगल बैटल थे वो उनकी देख रेख किया करता था। 1993 के बम धमाकों के बाद मनीष लाला को ये डर सताने लगा कि दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन के गैंग अलग होने के बाद कहीं ना कहीं उसे गैंग वॉर में मौत के घाट उतार दिया जाएगा, जिसके चलते वो सीधे ऑर्थर रोड जेल में बंद हो गया। लेकिन 1998 में छोटा राजन के गुर्गे यूसुफ बचकाना ने आखिरकार उसे मौत के घाट उतार दिया। मनीष लाला और नीरज कुमार के बीच इस बातचीत के बाद मनीष लाला ने दाऊद इब्राहिम को फोन लगाया और नीरज कुमार से बात करने के लिए कहा। फोन पर मनीष लाला ने कहा, मेरे साथ सीबीआई के साहब बैठे हैं, वो सही लगते हैं। आपने जो भी मुझसे कहा है वो उन्हें भी आराम से बता सकते हैं। इस बातचीत का पूरा ब्यौरा नीरज कुमार ने अपने अधिकारियों को दिया। इसके बाद दो बार और दाऊद और नीरज के बीच बातचीत हुई, लेकिन मामला सरेंडर तक नहीं पहुंच सका। दाऊद के मामलों की जांच करने वाले पूर्व आईपीएस अफसर वाईसी पवार ने भी कहा कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि दाऊद ने सरेंडर का ऑफर दिया था। वाईसी पवार साहब हमारे साथ हैं, जिन्होंने अंडरवर्ल्ड की कमर तोड़ी हुई है। अंडरवर्ल्ड खास तौर पे जिस तरह से 93 ब्लास्ट में उभरा, दाऊद इब्राहिम उभरा, उसके बाद आपने अंडरवर्ल्ड की कमर तोड़ दी थी। किस हद तक नीरज कुमार जी की बातों में जो है एक तथ्य दिखाई पड़ता है सर? नहीं, उन्होंने क्या लिखा है वो उनका पर्सनल नॉलेज हो सकता है। जहाँ तक कि मेरा सवाल है, मुझे आज तक के मैं सर्विस में था तब तक के कभी भी उनका सरेंडर का बात हम लोगों के पास में आया नहीं। नीरज कुमार जी ने दावा किया कि ऑर्थर रोड जेल में जो मनीष लाला, जो कि एक लीगल एडवाइज़र था दाऊद का, उसने ऑर्थर रोड जेल में बात करवाई थी दाऊद इब्राहिम की नीरज कुमार जी से, और उसने साफ तौर पे ये एडवाइस किया था कि यही एक ऑथेंटिक ऑफिसर हैं जिनसे बात किया जा सकता है, जिनके ज़रिए जो है एक तरह से सरेंडर के प्रोसेस को आगे बढ़ाया जा सकता है। नहीं, अभी उनका किससे बात हुआ, क्या हुआ, इसके बारे में मुझे पर्सनल नॉलेज नहीं है, इसके लिए मैं उसके ऊपर कोई बात नहीं करूँ। सर, अंडरवर्ल्ड की कमर आपने मुख्य रूप से तोड़ने का काम किया था, लगातार आप ट्रैक भी कर रहे थे दाऊद इब्राहिम को, उसके बाद भी और उसके पूरे नेक्सस को ट्रैक कर रहे थे। इस दौरान कुछ टिप ऑफ मिली थी कि क्या दाऊद इब्राहिम सरेंडर करना चाहता है या कोई चीज़ कभी उभर कर आई? नहीं नहीं, मैं आपको एक बात बार बार बोल रहा हूँ कि मेरे सर्विस में होते हुए कभी भी ये ऑफर मेरे तक के नहीं आया। मैंने बॉम ब्लास्ट में सिर्फ दाऊद का हाथ था, दाऊद के जो लोग थे उनके पीछे हम पड़ गए थे और उसमें के काफ़ी लोग हमने पकड़ भी लिए थे, जो चले गए पाकिस्तान के छत्रछाया में बैठे उनको छोड़ के बाकी ऑलमोस्ट सभी लोगों को पकड़े गए थे। राम जेठमलानी ने भी इस बात को कन्फेस किया कि दाऊद इब्राहिम उनसे कांटेक्ट में था और उसने सरेंडर की शर्तें रखी, लेकिन उसने कहा था कि उसे डर लगता है कि कहीं ना कहीं क्राइम ब्रांच का टॉर्च है उसे तोड़ देगा। नहीं नहीं, कौन किसको क्या फ़ोन आया, किसको किसने क्या लिखा है, इसमें मुझे कोई स्वारस्य नहीं है, क्योंकि जब तक ये पर्सनल नॉलेज नहीं है उस बात के ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा।
पूर्व आईपीएस अफसर पीके जैन ने भी इस बात को कहा है। दाऊद इब्राहिम मामले पर पहली बार सरकार की ओर से भी प्रतिक्रिया आई। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। सीबीआई के पूर्व कमिश्नर ने कहा कि जो दाऊद इब्राहिम के साथ उनको काफी सारी बात कित हुआ है, वो सरेंडर भी करना चाहते थे उसके बाद। नहीं, वो जो है रिटायर हो गया वाला कोई कमेंट पास करने से हम तो उसको रिएक्शन तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऑफिशियली हम लोग के सामने में कुछ ऐसे बात तो है नहीं, तो मैं उसमें रिएक्शन नहीं कर सकता हूँ। थैंक यू। पूर्व आईपीएस अफसर पीके जैन ने नीरज कुमार के दावे को सही बताया। पीके जैन ने कहा कि ये खबर सही है कि दाऊद सरेंडर करना चाहता था, लेकिन कुछ नेताओं की वजह से सरकार ने सरेंडर का ऑफर ठुकरा दिया। जैन साहब, खुलासा हुआ है कि दाऊद इब्राहिम जो है 3 बार एक पूर्व आईपीएस को कॉल करके ये कहता है कि उसे आत्मसमर्पण करना है, लेकिन उसकी कुछ शर्त है। तो ऐसे में इसे आप किस तरह देख रहे हैं? मैं इसको 2 चीज़ों में देखना चाहता हूँ। एक तो दाऊद इब्राहिम की ऑफ़र कि वो सरेंडर करना चाहते हैं, बहुत सही बात है, क्योंकि एक इतना बड़ा डॉन, उसने मुंबई के क्राइम वर्ल्ड में काफ़ी पैठ बना ली थी अपनी। अब वो आदमी को आपने देश के बाहर भागना पड़ा, उसको देश में आ नहीं पाया, तो वहाँ कितना भी बड़ा चाहे वो इंटरनेशनल स्तर का डॉन बन गया हो, लेकिन उसका महत्व नहीं है। जिस क्षेत्र से वो बड़ा हुआ और वहाँ जहाँ पला बढ़ा, जहाँ अपने रिश्तेदारों के साथ में वो रहना चाहता था, अपनी दादागिरी दिखाना चाहता था, वो दिखा नहीं पाया। वो जंगल में मोड़ नाचा वाली बात है, वहाँ कितना बड़ा हो गया यहाँ कोई उसको पहचानता नहीं। और जहाँ तक सरेंडर का सवाल है, ये बात पहले भी 2-3 बार मीडिया में आई है और ऑफिशियल तरीके से भी कही गई है कि दाऊद सरेंडर करना चाहता था, लेकिन यहाँ के कुछ पॉलिटिशियंस ने उसको लास्ट मिनट पे सरेंडर करवाने से रोक दिया। 1993 ब्लास्ट मामले से जुड़े सरकारी वकील उज्जवल निकम ने कहा कि उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि दाऊद सरेंडर करना चाहता था। निकम ने कहा कि दाऊद चाहे तो अब भी सरेंडर कर सकता है। मुझे तो इसके बारे में व्यक्तिगत रूप से कोई जानकारी नहीं कि दाऊद इब्राहिम सही मामले में सरेंडर होना चाहता था, लेकिन अगर वो सरेंडर होना चाहता था तो उसे कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन ये हर कोई मुलजिम ये कहता है कि मैं सरेंडर होना चाहता था, लेकिन मुझे ये शर्त है। अगर ये शर्त उसकी कई थी तो आज तक मैंने कभी सुनी नहीं, और कोई सरकार ऐसी कोई गुनहगार की शर्त कभी भी मानता नहीं है। तो मुझे अभी भी मैं अपील करूंगा कि दाऊद इब्राहिम खुद आना चाहता जरूर आइए, हम तो बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कई ऐसे संगीन सबूत उसके खिलाफ है और फिर ये ट्रायल उसके खिलाफ चला सकते हैं।